तो नीतीश कुमार ने लेकिन बड़ी बात कही है। नीतीश कुमार ने सिर्फ बिहार की राजनीति पर ही बात नहीं की, केंद्र की राजनीति पर भी बड़ा निशाना साधा है। कहा है कि सबको 2024 के लिए साथ आने की जरूरत है, जो 2014 में आए हैं अब वो 2024 की तैयारी करें, ये बड़ी बात। पीएम मोदी पर नीतीश कुमार का बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि जो 2014 में आए वो 2024 के आगे का सोचें। ये नीतीश कुमार ने बड़ा हमला बोला है और आगे की उनकी क्या सोच है उसकी तरफ इशारा किया है। प्रधानमंत्री मोदी पर नीतीश कुमार का यह बड़ा बयान जिसमें उन्होंने कहा कि 2014 में जो आए हैं वो अब 2024 के आगे क्या होगा उसके बारे में सोचें। क्या कहा सुनिए। 2024 के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आप? नहीं नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं, आपके कार्यकर्ता लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। तो ये बड़ा बयान नीतीश कुमार का जो साफ तौर पर दर्शाता है कि नीतीश कुमार सिर्फ बिहार की राजनीति के बारे में तो सोच ही रहे हैं लेकिन आगे की रणनीति को भी सामने रख कर ये बड़ा फैसला उनके द्वारा लिया गया है। 2024 की तरफ उन्होंने साफ तौर पर इशारा कर दिया कि कैसे विपक्ष को एक साथ आने की जरूरत है। तो उनसे ये भी पूछा गया कि क्या आपकी दावेदारी भी होगी 2024 के लिए। इस पर उन्होंने कहा कि मैं किसी पद का दावेदार नहीं हूं लेकिन सबको साथ आने की जरूरत है। तो भले ही वो अभी ये कह रहे हैं कि वो दावेदार नहीं है लेकिन लगता यही है कि उनकी रणनीति का अहम हिस्सा है। ये हमारे साथ रुपेश बने हुए हैं। रुपेश, ये बार बार कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार क्या आगे 2024 के बारे में भी सोच रहे हैं और वो उन्होंने साफ कर दिया कि किस तरह से वो 2024 को अहम मान रहे हैं और उसके लिए क्या रणनीति विपक्ष की होनी चाहिए उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया। भले ही ये कह रहे हो कि मैं दावेदार नहीं हूं लेकिन क्या नीतीश कुमार एक अहम दावेदार होंगे फिर 2024 के लिए? देखिए, सिर्फ सत्ता साझेदारी ही नहीं बदली है बल्कि अब बातें भी बदल गई हैं। पहले जब भी केंद्र की राजनीति पर नीतीश कुमार से कुछ भी पूछा जाता था, चाहे वो इसके पहले जब बीजेपी का साथ छोड़े थे तब हो या फिर इस बार उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा है उसके बाद, वो हर वक्त यही कहते थे कि उन्हें तो बिहार की चिंता पड़ी रहती है, बिहार में उन्हें काम करना है। लेकिन इस बार अटल बिहारी वाजपेयी को याद करना, जब ये सवाल हमने पूछा था, मैंने पूछा था कि क्या आप दावेदार हैं, उसके संदर्भ में उन्होंने तो यही कहा कि मैं दावेदार नहीं हूँ लेकिन जो 2014 में आए थे वो 2024 के आगे रह पाएंगे नहीं, ये जरा सोचिए। और उसी संदर्भ में उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया और वो इस संदर्भ में जिक्र किया कि ये भारतीय जनता पार्टी ये अटल बिहारी वाजपेयी वाली बीजेपी नहीं है, ये नरेंद्र मोदी वाली बीजेपी है। और इसके पहले भी जब उन्होंने बीजेपी से उन्होंने नाता तोड़ा था उस वक्त भी कहा था, जब जालंधर में, आपको याद होगा, जालंधर में एक तस्वीर छप गई थी कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की साथ वाली, हाथों के में हाथ थामे जब तस्वीर छपी थी तो उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया था। आज फिर से गठबंधन तोड़ने के बाद कहीं ना कहीं फिर से उसी मोड़ पे, उसी मुकाम पे नीतीश कुमार की राजनीति आकर ठहर गई है। दूसरी बात, नीतीश कुमार की मौजूदगी में उनके बेहद करीबी अशोक चौधरी, और जब नीतीश कुमार अंदर इस्तीफा देने जाते हैं तो बाहर उनके समर्थक नारा लगाते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। एक बड़ा सवाल लेकिन ये भी है, राजभवन में बैठकर कहते हैं रुपेश, ये भले ही वो आज कह रहे हैं, एक बड़ा सवाल ये भी है, मैं आपसे बल्कि एक के बाद एक दो सवाल लूंगी। पहला सवाल ये कि बिहार में 2014 में हमने देखा कि किस तरह से चुनौती दी थी नीतीश कुमार ने लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला, उनको उसकी वजह से उनको भारी नुकसान हुआ सीटों के मामले में भी, उनकी ताकत के रूप में भी, लेकिन फिर वो वापस साथ में आए क्योंकि उन्हें लगा कि ये मजबूरी है बीजेपी के साथ जाना। बीजेपी का कद लगातार बिहार में बढ़ता रहा है, ऐसे में अब एक बार फिर बीजेपी से अलग होकर नीतीश कुमार क्या वापस वही गलती कर रहे हैं या यहां अब परिस्थितियां बदल गई? देखिए, 2013 में भी वही हालात पैदा हुए थे, उनको कहीं ना कहीं जो महत्वाकांक्षा एक शब्द है, अति महत्वाकांक्षा भी भारतीय जनता पार्टी से कहती है कि जब जब उनके अंदर ये महत्वाकांक्षा जागृत हुई है, चाहे वो 2013 में हो या फिर 2022 में हो, तब तब इसी तरह के राजनीतिक परिदृश्य बदले हैं, तब तक नीतीश कुमार के यही शब्द बार बार कर उनकी जिह्वा पर विराजमान होते रहे हैं। उस वक्त भी जब 2013 में उन्होंने गठबंधन तोड़ा था तो कुछ इन्हीं शब्दों के युग्मों का उन्होंने प्रयोग शुरू किया था जो आज वो कह रहे हैं। हालांकि ये कह जरूर रहे कि उनकी कोई इच्छा नहीं है, इसके पहले भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहते हुए जब उपराज्यपाल पद के उम्मीदवार के रूप में उनसे चर्चा हो रही थी उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि उनकी कोई इच्छा नहीं है, जबकि उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बैक टू कैमरा उन्होंने जरूर ये कहा था कि सारे सदनों का वो सदस्य रह चुके हैं सिर्फ राज्यसभा छोड़कर, तब ये चर्चा हुई थी कि क्या राज्यसभा जाकर वो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। लेकिन उनके सामने उनके समर्थकों का नारा, उनके सामने उनके दाहिने हाथ की तरह अशोक चौधरी जो उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी रहे हैं,
उनके हम कदम हम निवाला जो कहा जाता है कि भूंजा भी उनके साथ खाते हैं वो उनकी मौजूदगी। जो एक बार फिर जागृत हो गई है, 2013 में जागृत हुई थी, अब एक बार फिर जागृत हो गई है और अब उन्हें विपक्ष की एकजुटता और दिखाई दे रही है, बीजेपी में दिखाई दे रहा है कि कैसे बीजेपी बदल गई है इतने साल साथ रहने के बाद। इस महत्वाकांक्षा को वो कैसे समझते हैं, क्या उनके पक्ष में जाता है मुद्दा, क्या उन्हें लगता है, क्योंकि वो बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन तमाम जो उत्तर भारत के राज्य हैं वहां पर वो राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं, या वो एक स्वीकार्य चेहरा हो सकते हैं, विपक्ष में एक स्वीकार्य चेहरा हो सकते हैं, क्या ये तमाम बिंदु उनको लगता है कि उनके पक्ष में जाते हैं और इस वजह से उनकी महत्वाकांक्षा एक बार फिर जागृत हुई है 2024 को लेकर, भले ही वो अभी इनकार कर रहे हो लेकिन राजनीति में संभावनाओं का खेल है। देखिए, जब 2013 में उनकी ये महत्वाकांक्षा जागृत हुई थी तो किस रूप में उनको भुगतना पड़ा, उनको अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी तक गंवानी पड़ी, इस्तीफा दिए, मांझी को उन्होंने कुर्सी सौंप दी, मांझी से कुर्सी वापस लेने के लिए वो दो सीटों पर समिट गए थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जब साथ उन्होंने गई तब वो जाकर 2 से 16 पहुँचे थे। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि एक माहौल बना है बिहार में ही नहीं बल्कि जिस तरीके से 2014 के बाद ये देखा जा रहा है कि पूरे देश में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, गोवा हो या फिर अन्य राज्य हो, हाल में महाराष्ट्र हो, इन राज्यों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता को जोड़ तोड़ या जो भी राजनीति हो उसके बाद से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने उस राज्यों में अपनी सरकार बनाई, लेकिन बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को वो सत्ता से दूर कर सकते हैं, एक बार नहीं दो दो बार। 2013 में तो चलिए भारतीय जनता पार्टी की शक्ति उतनी नहीं थी, 2014 के बाद से अब तक हर बार भारतीय जनता पार्टी एक तरह से कहें तो अश्वमेघ यज्ञ की तरह राज्य दर राज्य। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी को सत्ता से इतनी आसानी से बेदखल कर सकते हैं, जहां केंद्र में उनकी सरकार है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और बड़े भाई की भूमिका में है, उनकी विधायकों की जो संख्या है, आंकड़ों की राजनीति होती है, आंकड़ों में वो 77, ये 43, ये उन्होंने जीता था, दो बाद में 45 भी अगर मान लें तो ये आंकड़ा बैठता है, 77 बरक्स 45 वाला नेता ना सिर्फ प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करती है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को जब ये इल्म होता है कि नीतीश कुमार बिहार में उनको छोड़कर जा सकते हैं तो उनके दो बड़े कद्दावर नेता जेपी नड्डा और अमित शाह इसी पटना में पिछले पखवारे आकर ऐलान करते हैं कि 2024 में उनके नेता बिहार में भी नीतीश कुमार होंगे, 2025 में भी उनके नेता नीतीश कुमार होंगे। लेकिन नीतीश कुमार उन दोनों नेताओं की इस कथनी को भी दरकिनार करते हैं और मन बना लेते हैं कि वो अब बीजेपी से अलग होंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर यूपीए में इनकी बड़ी भूमिका होती है, प्रधानमंत्री पद के रूप में स्वीकार्यता क्या होगी, क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी उनको स्वीकार करेंगे, क्या ममता गांधी किनारे लग जाएंगे, ममता बनर्जी क्या किनारे लग जाएंगे, क्या के चंद्रशेखर लग जाएंगे, रुपेश अभी बहुत से अगर मगर हैं, लेकिन अभी क्या उनकी रणनीति है, क्या उनकी सोच है, वो जरूर साफ कर दिया है नीतीश कुमार ने कि बिहार की राजनीति में तो उन्होंने बदलाव किया ही है, लेकिन नज़र उनकी 2024 पर भी है, नज़र इस मुद्दे पर भी है कि विपक्ष कैसे एकजुट हो, वो जरूर उन्होंने अपनी सोच को जरूर साफ किया है। हालांकि और बहुत से अगर मगर हैं, उस पर भी चर्चा करते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।